हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के व्लॉग में हम मुरबा डैम घूमने वाले हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। गाइस, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, इस वक्त हम मुरबा डैम पे पहुंच चुके हैं और ये है एक छोटा सा मुरबा डैम और ये बिल्कुल आता है मुरबा बस स्टॉप के सामने वाले रोड पर। मैं जाते वक्त आपको रास्ता दिखा दूँगा। 1 किलोमीटर के अंदर ही है, मतलब अगर आप वॉकेबल आते हैं तो 5 to 10 मिनट्स और मेरे को 2-3 मिनट ही लगे। मैं आपको जाते टाइम दिखा दूंगा। मुरबा बस स्टॉप और मुरबा जो है वहाँ पे टाउन है, वहाँ से जो एंट्रेंस है मेन हाईवे से, और ये है यहाँ का जो है डैम है। सूखा हुआ है इस वक्त क्योंकि जो है गर्मियों का टाइम है, बारिशों में थोड़ा यहाँ पर जो है पानी रहता है। और यहाँ से जो है पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड में जो ब्रिज है ये भी एक हाईवे ही है। थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं, थोड़ा सा नीचे उतर के यहाँ से जो है सामने से जो ऊपर से निकलने का जो है, और लगभग जो है दोपहर का टाइम है। बाकी जो है इतना ही है यहाँ पे जितना हमने देखा। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और कभी बारवी डैम भी जाना है बदलापुर की, वहाँ पे पानी भी ज़्यादा रहेगा। और बाकी जो है गर्मियों में जो है कुछ टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं गर्मी ये बारिशों में, और गर्मी जब बढ़ेगी तो थोड़ा हवा टहलने के हिसाब से भी आ सकते हैं। बस यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे तो मुरबाड़ लोकेलिटी में आपको दिखा दूँगा। यहाँ से बस 2 मिनट का ही रास्ता है। पीछे से अगर हम जाएंगे तो पीछे जो है रास्ता शाहपुर की तरफ निकलेगा, मुंबई नासिक हाईवे पे। और अभी जो हाईवे आने वाला है वहाँ से, ये जो हाईवे है ये है कल्याण अहमदनगर हाईवे। मार्शल घाट की तरफ भी रास्ता जाता है, कल्याण मार्शल घाट हाईवे भी कह सकते हैं उसे, जो हाईवे भाई अभी आने वाला है कुछ ही समय में। पहले भी हम मुरबा घूम चुके हैं गाइस। पिछले टाइम मैंने आपको मुरबा लोकेलिटी दिखाया था, मुरबा टाउन दिखाया था, और मुरबा लेक हम घूमे थे। उस वक्त ये डैम रह गई थी, मुझे जो है रास्ता डैम का दिखा था लेकिन मैंने वो टाइम चेक नहीं किया था, जबकि बहुत ही कम डिस्टेंस पर ही था। मतलब हम पिछले ब्लॉग में हम घूम सकते थे। और आज जो है डैम के लिए ही मैं खास आया हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी जो है लेक पे तो हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, टाउन हम घूम चुके हैं, तो इसके लिए जो है डैम दिखाया मैंने आपको और ये रास्ता भी दिखा दिया मैंने आपको। ये है कल्याण अहमदनगर हाईवे, राइट साइड में कल्याण, लेफ्ट साइड में मार्शल घाट अहमदनगर, ऐसे रास्ता जाता है। सामने दिख रहा है हमें बस स्टॉप, तो ये राइट साइड में है बस स्टॉप। आगे से जो है हम यू टर्न ले लेते हैं, एक बस भी हमें दिखी, और बाहर कुछ शेयरिंग कुछ वैन्स भी है। तो यहाँ से आगे से बस हम ये एक यू टर्न ले लेते हैं और फिर जो है मेन गेट जो है मुरबा एंट्रेंस का, वहाँ पे जो है एक टी ब्रेक करके फिर वहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। गाइस, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ साथ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे भी एक बार आप ज़रूर जाइए, जिसमें आपको सब कैटेगरी वाइज मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे, जिसमें आपको बाइक राइड ब्लॉग और ट्रैवल एंड टूरिज़्म, कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ है, कुछ फैमिली के साथ है, सब आपको कैटेगरी वाइज मिलेंगे। देखिए लेफ़्ट में बस जा रही है ना, लेफ़्ट में काफ़ी बड़ा बस स्टॉप है क्योंकि यहाँ पर जो आने का जो फैसिलिटी है वो बस फैसिलिटी है ज़्यादा। और यहाँ पे शेयरिंग रिक्शाएँ भी है। और आगे से जो हम लेफ़्ट लेंगे वो मुरबा टाउन की तरफ एंटर होगा, तो हम जो है एंट्रेंस के बाहर ही बस एक टी लेंगे। और लेफ़्ट साइड में कुछ वेजिटेबल्स भी है लगी हुई है, लास्ट टाइम हम यहाँ पे मार्केट घूमे थे मुरबाड़कर अमृत तुल्य, यहाँ पे बस एक टी पी के फिर मैं निकलने वाला हूँ।